पानी कितना जमा हो गया। ये रसल स्ट्रीट है, यहाँ का हाल देखो। गाइस ये ना रिमल तूफान की बात का हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे आज है 27th of May शाम के 6:06 पे। रुकिए पहले पेट्रोल भरा लेते हैं फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कलकत्ता में पेट्रोल का रेट है 100.6। ये भाई साहब पेट्रोल भर रहे हैं। हाँ जी, तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये पूरा पानी जमा हुआ है इधर। ये रिमल के बाद का सीन है। अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड ब्रिज। पूरा भरा हुआ है पानी से, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आया था रिमल या रिमाल जो भी कह सकते हो उसको, REML। ये देखो पानी कितना भरा हुआ है, ये पूरा ग्राउंड होता है। ये आ गया 10 रुपए वाला टोल, ये बंद है अभी, यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी भी देखा जाए तो क्लाउड पूरा साफ नहीं हुआ है, आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। ये देखो अभी भी ब्लैक क्लाउड्स हैं। बहुत ज़्यादा तेज तूफान आया है, बहुत तेज, हवा अभी भी बहुत तेज है। हाँ हवा अभी भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। बोरा ईटन गार्डन, ये आ गया बड़ा वाला ब्रिज। ओम After 24 hours of non-stop rain, city looks very clean. ये देखो यहाँ भी पानी कितना ज़्यादा जमा हुआ है, पूरा गिल्ला है। ये देखो कितना पानी जमा हुआ है यहाँ पे। ये सारा रेस कोर्स वाला एरिया इधर पीछे, ये देखो जी, बाप रे बाप, पानी देखो कितना, वाटर लॉगिंग हुई बड़ी है। बहुत ही ज्यादा पानी भाई, घुटने घुटने तक पानी आ गया। ये देखो यहाँ पे पेड़ वगैरह काट के, ये सारे पेड़ वगैरह काटे इन्होंने, हाँ गिर गए। हम लोग ले रहे हैं माफ फ्लाई ओवर, सीधा चढ़ जाएंगे अब ऊपर। आज भी मंडे है, ट्रैफिक होना चाहिए तो नहीं है। आज भी कम ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ रिमल ना, ये पीक आवर है शाम के, देखो 6:00 6:30, तो ट्रैफिक कम है भाई। हवा इतनी अच्छी चल रही है ना आज, अभी 6:30 के करीब हो रहे हैं, मतलब रात हो रही है धीरे धीरे, शाम हो गई है, बट हवा इतनी अच्छी चल रही है। वो हम ITC के पास पहुंच रहे हैं, आपको ITC आगे से दिखाते हैं। सारे होटल फट, इस बाईपास ढाबा, ये भी बहुत सुंदर जगह खाने के लिए। यहाँ भी मेट्रो का काम चल रहा है, दोनों आज ना कोई पब्लिक बस चल रही है, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बंद है। ऑफिस ट्रैफिक भी कम है, और जैसे ही मैंने बोला बस नहीं चलती, एक बस आ गई है। वाह, पेड़ देखो कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये है सिटी का हाल रिमल के आफ्टर इफेक्ट। ये देखो बोर्डिंग्स देख लो आप, चिंगड़ी घाटा पहुंच गया। ये हम लोग चिंगड़ी घाटा में हैं, यहाँ पे सब चिंगड़ी चिंगड़ी होता है। तो ये रिमल ना 26 को शाम को लैंडफॉल किया था। लैंडफॉल के बाद में बहुत ज़्यादा हवा तेज़ हो गई थी और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो पूरी रात ऑलमोस्ट ये कलकत्ता में लैंडफॉल के बाद में बहुत जगह पे इफ़ेक्ट हुआ था रिमल का।
बहुत सारे पेड़ करके कट के गिर गए थे, कहीं कहीं पे तो कहते हैं कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स जल गए थे, लाइट चल गई थी, इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया था, सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, नाले बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। तो इतना ज़्यादा, वैसे तो आप जब देख रहे हो हम तो शाम को निकले हैं जब बिल्कुल शांत हो गया था रीमल, बट जहाँ जहाँ पे बहुत ही हाई, जब पीक पे था ये, बहुत जगह में तबाही मची है, लोगों को बहुत दिक्कतें हुई हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई थी बिल्कुल ही, लाइक यू नो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए एयरपोर्ट ऑपरेशंस में नहीं था, बिल्कुल सर्विसेज स्टॉप हो गई थी, ऑलमोस्ट लाइक 300+ फ्लाइट्स यू नो कैंसिल हुई हैं या रीरूट हुई हैं यहाँ से। अगर हम ट्रेन्स की बात करें, ट्रेन्स भी बिल्कुल हावड़ा और सियालदह जो बड़े स्टेशन्स हैं कलकत्ता के, दोनों बिल्कुल पानी से भर गए थे। हावड़ा में ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, वहाँ ज़्यादा पानी आया बिकॉज गंगा बिल्कुल पास में हावड़ा के, तो ये सब एरियाज़ में ना ज़्यादा देखने को मिला था कलकत्ता में। बट 27th को शाम को जब हम ये निकले थे राउंड लगाने के लिए, तो आप देख सकते हो बहुत कम ही आपको दिख रहा है जगह पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग है। तो आई वुड से कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रेड अलर्ट में काम, मतलब कि जो तबाही हुई है, जो डेवेस्टेशन हुआ है, वहाँ पे जाके इन्होंने जल्दी जल्दी ट्रैफिक को कंट्रोल किया है। एंड ये सारा जो आपको रूट दिखा रहे हैं हम, ये हम हावड़ा से स्टार्ट किया था हमने, और हम सीधा गए थे एयरपोर्ट तक, मतलब मेन रूट पे थे हम, अंदर अंदर नहीं गए थे। तो आप देख सकते हो कि मेन रूट बिल्कुल ही ओपन कर दिया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, गवर्नमेंट ने, हम अंदर जा नहीं पाए थे बिकॉज जहाँ तक हमें न्यूज़ में दिख रहा था कि बहुत अंदर अंदर में ना पेड़ वगैरह बहुत गिरे हुए हैं और लाइट्स नहीं है। तो हमने आपको मेन मेन रूट दिखाया है जो रोड्स ओपन हो गई थी। तो आगे भी आप देखना, अभी हम यहाँ से ना एयरपोर्ट के रास्ते तक आगे तक गए थे और वहाँ से यू टर्न लेके हम वापस आते हैं VIP रोड पे। तो यहाँ पे भी आपको बहुत जगह पे देखना पानी दिखेगा, ये सारा पानी पूरा भरा हुआ था, ये हल्दीराम का एरिया है, VIP रोड का पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ से ना यू टर्न लेंगे, हम यहाँ तक आए थे एयरपोर्ट तक, यहाँ से बस नॉट इवन 500 मीटर्स पे एयरपोर्ट है, यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न लेके हम लोग वापस VIP रोड पे आ गए हैं। ये आपके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो मेट्रो ऊपर उठ रही है, ये बिल्कुल न्यू मेट्रो बन रही है। अब देखना यहाँ पे, ये देखो कितना पानी जमा हो गया यहाँ पे। हम लोग बहुत यू नो आते खाने यहाँ पे पापड़ी चाट वगैरह, बट इतना पानी हमने कभी नहीं देखा यहाँ पे। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही पानी भर गया था यहाँ पे, लिटरली यहाँ पे गाड़ियों का अंदर जाना बाहर आना बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया था। ये HDFC बैंक है VIP रोड का, ये देख लो आप पूरा भरा हुआ पानी, कितना मतलब इतनी बरसात हुई है, इतनी बरसात हुई है कि कहने की हद नहीं, घुटने घुटने तक यहाँ पे हमने लोगों को देखा कि पानी में थे। ये अब विधाननगर पुलिस स्टेशन आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड में, अब यहाँ पे रिलायंस डिजिटल आएगा, देखना यहाँ पे भी कितना पानी भरा हुआ है। ये देखो ये यहाँ से अब लेफ्ट देखना आप, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, मतलब हमने नहीं देखा आज तक इतना पानी इस एरिया में भरा हुआ। जो यहाँ पे लोग नॉर्मल रहते होंगे उनके लिए तो शायद नॉर्मल होगा, बट मैंने नहीं देखा। तो आप लोग को मैं शेयर करके दिखा रहा हूँ कि रीमल के बाद में कितना पानी भर गया। ये भी देखो आप, ये बिल्कुल चिनार पार्क का यहाँ से ना चौक आ जाता है, मतलब राउंड अबाउट है। ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, ये अभी यहाँ से एक वैन जाएगी, कितना उठा पानी का फवारा उठा के भरा हुआ है पानी बिल्कुल। लाइक यहाँ पे नाले नहीं बने यू नो पानी को क्रॉस करने के लिए, अगर है भी तो शायद पूरे ओवरफ्लो कर गए होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मैं देख के हैरान हो गया था कि कितना पानी भरा हुआ है। हमें तो ये भी यहाँ तक बताया गया है कि बड़ा बाज़ार में इससे भी ज़्यादा पानी था, जो बड़ा बाज़ार एरिया है कलकत्ता का, वहाँ तो कहते हैं घुटने घुटने कमर कमर तक पानी आ जाता है। तो मैं तो इसको देख के हैरान हो गया था कि मैं कहा भाई इतना पानी कैसे जमा हो गया। ये देख लो आप, अब यहाँ से हम आगे जाते हैं, आगे जाके हम लोग वापस से यू टर्न लेके, हमने फिर वापस दिखाया नहीं, फिर हम सीधे सिटी में चले गए थे। तो सिटी में जाके अब हम आगे थे रसल स्ट्रीट, ये देखो रसल स्ट्रीट का हाल, यहाँ घुसना नहीं चाहिए था वैसे। चलो अब चल, घुस गए घुस गए, ये देखो जी कलकत्ता का हाल, ये मेन स्ट्रीट है, रसल स्ट्रीट, ये रसल स्ट्रीट है, यहाँ का हाल देखो, घुमा लेते हैं देख के कुछ, टोए में मत घुसा देना।
रसल स्ट्रीट से हम आगे नहीं गए थे, वापस से यू टर्न मार के ना हम सीधा निकल गए थे बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ से हम गए थे पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट का भी बहुत ही सिमिलर कंडीशन था, वहाँ पे भी बहुत पेड़ गिरे हुए थे, तारे टूटी हुई थी और ऊपर से ना वहाँ पे लाइट नहीं थी शोरूम्स में। इवन वंदार मार्केट, थिएटर रोड, सब जगह यही हाल था, बहुत पानी भरा हुआ था। लोग तो वैसे भी इतने बारिश में शॉपिंग करने निकलेंगे नहीं, तो दुकानें भी खुली नहीं हुई थी, तो हमने बस यहीं पे अपना दिन क्लोज किया। ये अब हम बिल्ला प्लानिटोरियम से हम आगे जा रहे हैं विक्टोरिया की तरफ, तो यहाँ पे भी आप देखो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे राइट हैंड साइड में पानी क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा बहुत पानी रोड पर दिख रहा है आपको। तो ये ऑलमोस्ट लाइक रात के 9:30 बज रहे थे, उस समय का ये सीन है 27th of May का। तो विद दिस गाइस हम आगे आके ना फिर हम विक्टोरिया चले गए थे। अब विक्टोरिया के रास्ते में आप देखो कुछ कुछ पेड़ गिरे हुए थे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ना लोग ये पेड़ को साफ़ कर रहे थे। अब देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, ये उठा के इस ट्रॉली में डाल के यहाँ से क्लियर कर रहे थे ताकि रास्ता सुबह क्लियर हो जाए। उसके बाद से हम अपना विक्टोरिया मेमोरियल आए, विक्टोरिया मेमोरियल में कुछ कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, आप देख सकते हो इधर में भी 2-4 गाड़ियाँ खड़ी थी और लाइट्स वगैरह ऑन थे विक्टोरिया मेमोरियल की। तो होप गाइस आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, हमने आज आपको कवर करके दिखाया फ्रॉम हावड़ा टू एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट से वापस। तो अगर गाइस अच्छा लगा होगा, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ में, नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।